किचन देखो भाई, यहाँ पे कितना बुरा जैम लगा पड़ा। ओ, अरे अरे, बहुत गंदा जैम नहीं है। देखो। Hey guys, welcome back to the channel. So, क्या हालचाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। कल मैंने आपसे बोला था कि हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं, सो आज ही हम ट्रिप पे निकल रहे हैं। पैकिंग चेकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है जो हमारा अभी बचता है और बाकी सामान हमने गाड़ी में फिट कर दिया। कल रात ही सारी पैकिंग चेकिंग सब निपटा दी थी और ये तकिए इसलिए लेके जा रहे हैं भाई, वहाँ के जो तकिए होते हैं ना थोड़े से फुसफुसे से होते हैं, अच्छे नहीं लगते। सो फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, रात बहुत लेट सोया, सारा व्लॉग एडिट करके उसके बाद सोया हूँ। सो फिलहाल निकलता हूँ मैं और सामान वामान गाड़ी में रखते हैं, चलते हैं। टाइम हो गया, 7 बज गए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 7 बजे तक निकलेंगे। सो हम सब लोग रेडी हैं 7 बजे तक। सो लेट्स गो, मिलते हैं रास्ते में। बोल श्री अम्बे मात की जय। सो भाई निकल चुके हैं, हम लोगों ने अपना सारा लगेज वगैरह सब पैक कर लिया एंड अपनी गाड़ियां लेके। लगेज तो तुम ही नहीं किया होगा, हमें तो लगेज सब कुछ पैक करके। भाई आज देखना मेरी कितनी उतारेंगे ये लोग, आज सारे एक ग्रुप के बैठ गए हैं। नहीं नहीं शाबाश, देख दल बदलू है सारे जो अभी तक मेरे साथ है ना, ये मेरे साथ सरकार बना रहे थे और इन्होंने बदल दिया। वो कह रहा मैं तो करूंगा, चलो शुरुआत करते हैं, पहुंच से दिखाते हैं रास्ता। और यहाँ से अभी दिखा रहा है 7:54 यानी 7 hours 54 minutes, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, टाइम लगेगा हमें जाने में। भगवान जी के मंदिर पर राजीव जी की गाड़ी रुकी है अभी पीछे माता रानी की, जय श्री गणपति जी महाराज। चलो आने दो उन्हें, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों के साथ 3-4 गाड़ियां हैं तो सभी को देख के चलना पड़ेगा, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, वो बेस्ट ऑप्शन है। सो फाइनली भाई दिल्ली क्रॉस कर लिया और ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है दिल्ली को क्रॉस करने में और यही सबसे ज्यादा टाइम खर्च करता है पूरे ट्रिप का। अभी मैं आपको बता रहा था 7:54 है और अब भी मतलब 7.5 घंटे अभी भी बाकी है। हाईवे एक नंबर बना दिए फिर भी लोग मोदी को वोट नहीं देते, गलत बात है। सही में भैया मैं मतलब मेरे को अब की बार दिल से बुरा लगा उसका, बंदे का। इस हाईवे पे जब भी आ जाओ सुबह सुबह तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि पूछो मत, हद मचा देते हैं ट्रक भी और वैसे भी, क्योंकि एयरपोर्ट दिल्ली में यूज इंटरनेशनल सारी फ्लाइट यहीं आती हैं और उसका सारा रश जो होता है वो इधर को ही निकलता है, पंजाब वाले सारे इधर से ही आते हैं और फिर उसके बाद ट्रक हैं, फिर बसेज हैं और जो ट्रैवल करने वाले हैं वो भी मॉर्निंग में ही निकलते हैं, तो मोस्टली सब इसी रोड पे ट्रैवल करते हैं, है ना। बेनिफिट ज़्यादा है। हमें आधा घंटा टोल पे खड़े हुए हो गया और अभी तक हम यहाँ आए हैं, अब देखना इसमें कितना टाइम लगेगा, वीडियो के हिसाब से देख लेना, ये पूरा क्लिप एज इट इज डालूंगा। कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा टोल पे इतना टाइम लग रहा है तो फ्री हो जाता है, बट यहाँ देख लो क्या हाल है टोल का, देखो सब हॉर्न पे हॉर्न और उल्टा सीधा सब चलाए जा रहे हैं, सब उल्टी सीधी गाड़ी घुसाए जा रहे हैं। परेशान हो गए सब, है ना। कोई सी भी नहीं चल रही भैया, ये तो हमारे वाली तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, हमारी वाली नहीं चल रही, बाकी चल रही है, हमारी वाली स्लो है बहुत, कुछ प्रॉब्लम है, ये वाली तो चल रही है देखो घट 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 घट, पता नहीं इनका क्या हुआ, आधा घंटा तो हो गया यहाँ पे लगे हुए। मेरे आगे 4-5 गाड़ियां हैं और एक ट्रक है, नहीं वो ट्रक का भी हो गया इजीली निकाल दिया इन्होंने देखो, बट उससे पहले की कितनी गाड़ियां इन्होंने धीरे धीरे चलाए जा रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं, ये हाल करते हैं ये लोग। देखो अब सटासट निकल रही है गाड़ी, किसी एक गाड़ी में दिक्कत, किसी एक गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, मगर ये तो देखना इनको मैनेज करना चाहिए, या तो अलग खड़ी करके उसको बात करो उससे भाई,
पूरी लेन को वो कर देते हैं। इनके डंडे तोड़ दो फिर प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत डांटते हैं, आगे रोक लेते हैं गाड़ी लगा के। ये दिक्कत है ना, पहले चेक नहीं करते, उसके बाद फिर या तो डबल देंगे या खड़े होकर रिचार्ज करेंगे, दूसरे को तंग करेंगे, तंग हो जाता है बंदा दूसरा। चलो एक मिनट में ऐसे भाई अपनी रिचार्ज रखो तो ठीक रहता, इजीली निकल जाते हैं सब, हम भी कर रहे हैं, कोई भी नहीं समझा सकता भाई। आजकल आग बहुत ज्यादा लग रही है, ये देखो ये कितनी तगड़ी वाली आग लग गई है, कहीं कुछ तो ज्यादा बड़ा हुआ है अंदर, बहुत कुछ सिटी में हुआ है। ये अभी हम पानीपत पहुंचे और ये शायद किसी फैक्ट्री में आग है ना, पहाड़ों में भी आग लग रही है, सिटी में भी आग लग रही है, जंगलों में भी, सब जगह आग ही आग, पता नहीं कितनी गर्मी बरसाएंगे। हाँ बेटा ये सिर्फ गर्मी से हो रहा है। सो भाई फाइनली चंडीगढ़ के बाद हमने एक स्टॉप लिया, अब हम शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे हैं और यहाँ पे है एक पैराडाइज करके, आर्मी की जीप खड़ी है, एक हमारी एक गाड़ी अभी मिसिंग है, वो पीछे रह गए कहीं पे, या तो वो दूसरे रूट से चले गए या कहाँ से चले गए, अभी उन्हें देखते हैं। यहाँ पहले कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज, और 11:30 बज गए, तो ऑलमोस्ट हमने 3.5 घंटे में सही सफ़र कवर कर लिया, नॉट बैड यार। हमारी तीसरी गाड़ी भी आ गई भाई, एक ही है और एक ही है, ऐसे ट्रक वाला जो ट्रक हम लोग उससे नीचे, हम लोग तुम उसी जैम में से निकल के आए, हम तो नीचे से निकल के आए, हम लोग तो वो नीचे नीचे वाले रास्ते से, जीपीएस ने हमें वो ही दिखाया था, हम उसी से ही आ, मैं कह रहा था मैंने कहा गलत हो गया वो, बट वो सही हो गया। सही टाइम पे निकल गए। आर्मी की जीप। सो भाई फाइनली हल्दीराम पे खाना खा लिया, वीडियो वहां की बनाई नहीं, भूख इतनी जोर से लग रही थी होश नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे, बहुत तेज भूख लग रही थी मेरे को, मैंने बिल्कुल नहीं रुका क्या भाई मेरे को पहले खाना दो उसके बाद बाकी बात होगी। राजीव जी कह रहे कहते कि बेस बना रहा है ये शाम के लिए। चश्मा साफ करके अब नॉन स्टॉप भाई निकलेंगे शिमला के लिए, तो अब रास्ता दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको, और हम जा रहे हैं शिमला, मैंने आपको बता ही दिया। सो फिलहाल हमें चंडीगढ़ क्रॉस करके चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे, और यहीं पे है हल्दीराम डोमिनोज, ये एक फूड कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, तो हम यहाँ रुक गए थे, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। आधा घंटा हम लोग रुके होंगे यहाँ पे भैया, आधा घंटा तो हमें लगा होगा खाना वाना खाने में। सो लेट्स गो। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people. पहाड़ शुरू हो गए भाई, पहाड़ शुरू हो गए, अच्छा महसूस हो रहा है भाई। घर से बाहर निकलो और काफी टाइम बाद निकलो तो कितना बढ़िया मजा आता है, और वो भी पहाड़ों में आने में।
डाउन होने लग गया। अच्छा वो जब ही पहले से ही अपना अपनी चुविंगम इसलिए पहले से निकाल लिया। चुविंगम खोल लो, अब ले लो आप भी। नहीं नहीं, हम एंट्री कर गए और यहाँ से हमारा रिजॉर्ट रहता है 22 किलोमीटर और भाई जैम में टूटते फड़कते हालत खराब हो गई। हाँ अब तुम इधर आ जाओ। जैम में इतनी बुरी हालत हो गई और अभी आगे भी जैम दिखा रहा है, पूरा वो रेड रेड शो कर रहा है। देखो आगे कितना और जैम मिलता है। मतलब हम लोग सुबह कितने बजे निकले थे? हम लोग 7:45 के अराउंड और अब बज गए हैं 4:30। और भाई इस हम लोग 2 घंटे पहले पहुंच सकते थे और यहाँ इस पोजीशन पे जहाँ पे अभी हम हैं, मगर क्यों जैम के चक्कर में क्या मैं बोलता हूँ, बोलने को तो बोलता नहीं अपने हवा बोले जा रहा। चलो देखते हैं कितनी देर में और पहुंचते हैं। एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा और एग्जैक्ट वो सिचुएशन बताऊंगा शिमला की। सो फाइनली भाई रात हो गई और हम आ गए अपने होटल में। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ होटल कैसा है और बाकी वैसे सुबह दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली होटल कैसा है हमारा। दिख रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी सामान वगैरह रखते हैं, मेरी फ़ोटो आ नहीं रही होगी वैसे, बट मैं कोशिश करूँगा अपनी भी लेने की। अंदर दिखाऊँगा, ये देखो ये रहा मैं, ये रहा हमारा कीवी। सो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, रोशनी आ गई। सो थक गए, बुरे हाल हो गए आज हमारे। सब कुछ कल दिखाता हूँ, अभी खाना वाना खाते हैं जाके, आराम करेंगे, 12 घंटे गाड़ी चलाते हो गए। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पॉइंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।